यमुना नदी की धारा को रोककर खनन करने के मामले में खनिज सहित राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर की बड़ी कार्यवाही। यूपी के फतेहपुर जिले में यमुना नदी की जलधारा में बांध बनाकर मोरंग के अवैध खनन के मामले में डीएम ने बड़ी कार्यवाही की है। अवैध खनन का वीडियो मिलने के बाद डीएम ने पट्टा धारक व संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मामला ललौली थाना इलाके के अड़ावल खंड संख्या 11 मोरंग खदान का है, जहां पट्टा धारक द्वारा यमुना नदी की जलधारा में बांध बनाकर जेसीबी और पोकलैन जैसे भारी मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा था, जिसके बाद डीएम संजीव सिंह के आदेश पर खनन व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मोरंग खदान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नदी की जलधारा प्रभावित कर मोरंग का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके बाद खनन निरीक्षक की तहरीर पर पट्टे धारक व संचालक के खिलाफ पर्यावरण क्षति एवं लोक संपत्ति क्षति निवारण के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा दर्ज का क्या पूरा मामला था, क्या कार्रवाई की गई? खनन क्षेत्र अड़ावल 11 की इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके द्वारा जो यमुना की जलधारा है उसको अप्रोच रोड बनाया जा रहा है, जिसकी कि राजस्व और खनन टीम के द्वारा मौके पर संयुक्त जांच कराई गई, जिसमें ये पाया गया कि यमुना नदी की उपधारा जो कि खनन क्षेत्र के अंदर से जा रही थी उस पर अप्रोच और कैंची पट्टाधारक के द्वारा बनाई जा रही थी, जिसको मौके पर तत्काल टीम के द्वारा हटवा दिया गया है और पट्टाधारक के विरुद्ध लोक पर्यावरण क्षति एवं लोक संपत्ति के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में थाना ललौली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और पट्टाधारक को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए।